सेंट्रियोली, सेंट्रियोली जो होती है इसे सेल का एक तरह साइटोस्केलेटन कहा जाता है, बिकॉज इट प्रोवाइड शेप टू द सेल, ये सेल को शेप देने से काम होता है। सेंट्रियोली इज प्रेजेंट, सेंट्रियोली होती है, प्रेजेंट होती है इन मोस्ट ऑफ एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड प्रोटिस्टा, एक्सेप्ट अमीबा। क्यों होगी अमीबा में? क्योंकि अमीबा में क्या होती है, अमीबा की जो शेप होती है वो एक रिदमिक होती है, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होते हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया था। लेकिन इसकी जो शेप इस तरह से होती है लाइक दिस, ये शेप इरेगुलर जो शेप होती है ना, जिस सेल की भी इरेगुलर शेप मिलेगी ना, उस सेल में कभी भी आपको सेंट्रियोली देखने को नहीं मिलेगी। याद रखना, जिस सेल का इरेगुलर शेप होगी, लाइक हुमेन की आरबीसी होती है कई बार इरेगुलर शेप की हो जाती है, तो हुमेन की आरबीसी में सेंट्रियोली नहीं होती है। तो जिस सेल का शेप इरेगुलर शेप होगी उसके अंदर सेंट्रियोली आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि सेंट्रियोली ही शेप देती सेल को। और जिस सेल में आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलेगी उसके अंदर भी सेंट्रियोली क्या मिलेगी आपको, एब्सेंट मिलेगी। सेंट्रियोली जो होती है हमेशा ही एक डब वन पेयर में होती है। सेंट्रियोली प्रेजेंट इन पेयर, सेंट्रियोली आपको पेयर में मिलेगी। और इसके पेयर को क्या बोलते हैं, इसको पेयर को बोलते हैं हम सेंट्रोसोम या काइनोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसको, काइनोप्लाज्म या इसको बोलेंगे सेंट्रोसोम। क्या बोलेंगे, सेंट्रोसोम या काइनोप्लाज्म कहते हैं। अब सेंट्रली का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेंट्रिकल सेंट्रोली का जो स्ट्रक्चर आप देखते हो, स्ट्रक्चर देखिए सेंट्रोली का, सेंट्रोली हैज ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये क्वेश्चन भी नीट में पुट हुआ है, ये कौन से प्रोटीन होती है, ये एक माइक्रोफिलामेंट प्रोटीन होती है, दिस इज नोन एज ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको, ट्यूबुलिन बोलते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन रखती है। सेंट्रली हैज 9+0, नाइन प्लस जीरो इसके पास क्या आते हैं, 9+0 माइक्रोफिलामेंट होते हैं, माइक्रोफिलामेंट होंगे राइट। तो ये आपको सेंट्रोली में देखने को मिलेगा, क्या रखती है, 9+0 माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, और ऑल्सो नोन एज माइक्रो ट्यूब्यूल्स होती हैं। क्या होती है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स होंगी, इसको जनरली माइक्रो ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, बट इन द मसल सेल इसको माइक्रो फिलामेंट कहते हैं। तो यहां पे क्या होगी, माइक्रो ट्यूब्यूल्स होंगी 9+0। अभी 9+0 क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल से स्ट्रक्चर में। ईच माइक्रोट्यूब्यूल या माइक्रोफिलामेंट, ईच माइक्रोट्यूब्यूल इज इन ट्रिपलेट फॉर्म, ट्रिपलेट फॉर्म, हर एक माइक्रोट्यूब्यूल की ट्रिपलेट फॉर्म होती है। क्या होगी, ट्रिपलेट फॉर्म होगी यहां पे, और ऐसी जो ट्रिपलेट फॉर्म होती है वो आपको कितनी मिलेगी, 9 मिलेगी। कितनी मिलेंगी आपको, यहां पे 9 आपको दिखाई देंगे, ऐसे केस में 9 माइक्रोट्यूबुल होंगी, किस फॉर्म में, ट्रिपलेट फॉर्म में। सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल जो होगी, सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल एब्सेंट, ये क्या मिलेंगे आपको, एब्सेंट मिलेगी। सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल जो होती है वो एब्सेंट होती है, और उनकी जगह क्या होता है, उनकी जगह क्या होता है, सेंट्रल हब,
एक फॉर्म होती है, एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होगा, इसे बोलते हैं सेंट्रल हब, सेंट्रल हब प्रेजेंट। बीच में आपको सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल नहीं मिलेगी, इसी वजह से मैंने वहां पे क्या लिखा, जीरो लिखा है, क्योंकि सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होती, इसी कारण से वहां पे जीरो मेंशन हुआ है। और ये कितनी मिलती है, ये आउटर साइड में आपको 9 मिलती है, इन्हें बोलते हैं पेरिफेरल। क्या बोलते हैं इनको, पेरिफेरल बोलते हैं। तो पेरिफेरल वाली कितनी होती है, 9 होती है, 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, कितनी होती है, 9 होती पेरिफेरल होती है, और सेंट्रल वाली 0 होती है, क्योंकि सेंटर में नहीं होती आपको, उसकी सेंटर में उसके लिए क्या होता है, सेंट्रल हब प्रेजेंट होगा। कैसा होता स्ट्रक्चर इसका, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बनाता है कार्ट व्हील रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे। तो इसकी अपीयरिंग जो आएगी वो कार्ट जो व्हील होता है, एक जो छकड़ा गाड़ी होती है उसके व्हील जो होगा उसकी तरह अपीयरिंग आपको देगा। ये किस तरह से होगा, लेट्स सी, किस तरह की अपीयरिंग देगा ये, इसका डायग्राम बनाएंगे हम। लाइक दिस, इसके एक सेंटर में होगा, ये सेंट्रल हब होता है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसके व्हील में कार्ट व्हील स्ट्रक्चर किस तरह दिखाई देगा, इसमें 1 2 3 तो ऐसे करीबन 9 मिलेंगी, ट्रिपलेट में आपको दिखाई दे रही है, ट्रिपलेट में तो ये ट्रिपलेट में 1 आई, 1 2 3, ये ट्रिपलेट में 3 आई, 1 2 3, ये ट्रिपलेट में 3 आई, 1 2 3, ये ट्रिपलेट में 4th आई, 1 2 3, ये 5th आई, 1 2 3, ये 6th आई, ये 7th आई, ये 8th आई, थोड़ी मैंने ज्यादा उसमें बना दी, ये 9th आई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको थोड़ा इक्वल डिस्टेंस से बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड हेज अ 9, तो ये कितने आएंगे, 9 मैंने आपको बता। और सेंटर में आपको कोई दिखाई नहीं देगी इस तरह की, क्योंकि सेंट्रल में क्या होती है, सेंट्रल हब होता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होती सेंट्रल में, इसे बोलते हैं सेंट्रल हब। अब इसके नेमिंग करते हैं, जो अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ याद रखना, जो अंदर की तरफ जो दिखेंगे हम सेंटर की तरफ, वो ए आएगा, फिर उसके ऊपर बी आएगा, फिर सी आएगा, हमेशा आउटसाइड हमेशा सी रहता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए
बी सी, आउटसाइड में सा सी आएगा ए बी सी, ए बी सी, ये सारी माइक्रोट्यूबल हैं, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, राइट। यस, और ये जो माइक्रोट्यूबल है इसमें हर एक जो माइक्रोट्यूबल है, ये जो ट्रिपलेट, हर एक माइक्रोट्यूबल ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी हुई, किस कौन सी प्रोटीन से बनी हुई है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से, प्रोकेशन पुट हुआ था जो मैंने आपको मेंशन किया था। अब क्या होगा, यहां पे इन दोनों के बीच में एक स्पाइक जुड़ेगी, दोनों आपस में अटैच होंगी, अटैचमेंट होती है फ्रॉम सी टू ए, किसे होगी, फ्रॉम सी टू ए होगी, याद रखना इसका एक ही पैटर्न बनेगा, सी टू ए, ए टू सी मत जोड़ देना, कहीं आपको ए को सी से जोड़ दो, नहीं, सी टू ए, हमेशा सी को ए से जोड़ो, ए को सी से मत जोड़ देना, सी को ए, सी को ए, सी को ए, सी को ए, सी को, राइट, इस तरह स्ट्रक्चर बन गई। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे एक स्पोक निकलेगी इस तरह की, ए पे एक स्पोक मिलेगी आपको, ए के ऊपर दोनों तरफ, ए के दोनों तरफ एक स्पाइक मिलेगी आपको, यह स्पाइक मत रखिए, अंदर तरफ बनाइए, सिर्फ एक अंदर तरफ बनाइए, एक स्पाइक मिलेगी इस तरह की, इस तरीके पे, और यहां पे क्या होगा, ये सारे आपस में जुड़ जाएंगे इस तरह से, लाइक दिस, ये यहां पे बीच में सेंटर पॉइंट बनाएंगी, कनेक्टिंग पॉइंट, और ये सेंट्रल हब की तरह ऊपर दी मिलेगी इस तरह से, लाइक दिस, 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 इस तरह का, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा एक, एंड दिस इज नोन एज कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं इसको, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसके नेमिंग करेंगे, ये जो नेमिंग होते हैं ये होती हैं ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल, ये क्या होती हैं, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल होती हैं, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल, और ये जो होता है इसे बोलते हैं ए, इसे बोलते हैं, सॉरी, ये जो पॉइंट होता है इसे बोलते हैं सी टू ए कनेक्टिंग, सी टू ए कनेक्शन होता है ये, इसका नाम, ये फाइबर होगा तो सी को ए से जोड़ता है, और ये जो फाइबर बनता है इसे कहते हैं स्पाइक, क्या बोलते हैं इसको, स्पाइक कहते हैं, और ये जो बनता है दिस इज नोन एज सेंट्रल हब, सेंट्रल हब बोलते हैं इसे, राइट, ये होता है सेंट्रोली का स्ट्रक्चर, सो दैट इज अबाउट सेंट्रोली, राइट। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं सेल डिवीजन, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, इन प्लांट सेल, इन प्लांट सेल सेंट्रोसोम हेल्प इन सेल डिवीजन, ठीक है, ये एक बेसल बॉडी का पार्ट होगा तो सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, ये इसी का फॉर्म होती है, कोई जनरल डिफरेंस दोनों में होता नहीं है। दूसरा काम होता है सेपरेटिंग द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को सेपरेट करना, टू सेपरेट क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को सेपरेट करना कैसा काम होता है, सेंट्रोली काम होता है, राइट, टू प्रोवाइड सेफ टू द सेल, टू प्रोवाइड सेफ टू द सेल, सेफ टू द सेल, सेल को सेफ देना कैसा काम होता है, सेंट्रोली का काम होता है, राइट, सो दैट इज अबाउट द सेंट्रोली, सेंट्रोली होती कंप्लीट।